म्योरपुर पंचायत भवन परिसर में सोमवार को आयोजित ग्राम समाधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति व समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश व प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक भी शासन के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। उन्होंने कहा कि म्योरपुर में निर्माणाधीन हवाई पट्टी का कार्य काफी धीमी गति से होने से मुख्यमंत्री को गत सप्ताह अवगत करा तेजी लाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि वर्ष 2024 तक म्योरपुर में हवाई पट्टी उड़ाने शुरू कर दी जाएगी। डीपीआरओ विशाल सिंह ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंचायतों द्वारा प्रत्येक ग्रामीणों की समस्या के निस्तारण हेतु समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। समाधान दिवस में अपनी समस्याओं को ग्रामीण बता फल प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनको भटकना नहीं पड़ रहा। इस दौरान एडीओ पंचायत रविदत्त मिश्र ने अवगत कराया कि समाधान दिवस की रैंकिंग में सोनभद्र जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधान प्रतिनिधि गणेश जायसवाल ने आवास की समस्या से अवगत कराते हुए डीपीआरओ से अनुरोध किया कि भूमि की कमी के कारण ग्रामीण अंचल में भी छत के ऊपर आवास बनाने की अनुमति प्रदान की जाए तथा मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सफाई कर्मियों की ड्यूटी अन्यत्र न लगाई जाए। इस दौरान एनटीपीसी रिहंद नगर द्वारा 200 कमरों का जरूरतमंदों में राज्य मंत्री द्वारा वितरण कराया गया। इस दौरान म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गोड़, चौपन प्रमुख लीला सिंह गोड़, ग्राम प्रधान संगीता जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। ठंड में मंत्री जी, इतना सुंदर आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है गाँव गाँव जाके, क्या उद्देश्य है आपका या आपका सरकार का? आज म्योरपुर ग्राम पंचायत में पंचायत ग्राम पंचायत समाधान दिवस के साथ साथ आज कमल वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जो हमारे गांव में रहने वाले जो अंतिम व्यक्ति है, जो असहाय हैं, वो ठंड से किसी प्रकार को उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग कैंप लगाकर इस तरह जगह जगह हम लोग कम्बल वितरण कराने का काम कर रहे हैं।